नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे RRB NTPC जम्मू जोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, RRB NTPC जम्मू जोन में इस बार टोटल कितना वैकेंसी है, कितना फॉर्म फिलअप किए गए हैं, पिछली बार कितना काट ऑफ था, और साथ ही साथ दोस्तों इस बार एक सीट के लिए कितना कंपटीशन है, उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, RRB जम्मू जोन से इस बार टोटल कितना वैकेंसी आया है, कितना फॉर्म फिलअप किए गए हैं। 2015 में जो नोटिफिकेशन आया था RRB NTPC का, जिसका एग्ज़ाम 2016 में हुआ था, उसमें दोस्तों कितना काट ऑफ गया था RRB जम्मू जोन से, और साथ ही साथ दोस्तों इस बार एक सीट के लिए RRB जम्मू से कितना कंपटीशन है, उसके बारे में पूरा आपको डिटेल्स पे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में RRB रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया, RRB जम्मू जोन से इस बार टोटल कितना वैकेंसी है, कितना कंपटीशन है, साथ ही साथ कितना फॉर्म फिलअप किया गया, उसके बारे में पूरा आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो यहाँ पे RRB जम्मू से 898 कैंडिडेट यहाँ पे वैकेंसी है टोटल इस बार। जी हाँ दोस्तों, ये जो वैकेंसी दोस्तों 12वीं पास प्लस ग्रेजुएट दोनों मिला के यहाँ पे दोस्तों 898 वैकेंसी है RRB जम्मू से। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप की, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 2,03,555 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किए हैं। यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी आया था, उस वैकेंसी के हिसाब से यहाँ पे 12वीं पास प्लस ग्रेजुएट दोनों मिला के दोस्तों यहाँ पे 2,03,555 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किए हैं। दोस्तों 2015 में जो नोटिफिकेशन आया था, केवल ही केवल ग्रेजुएट कैंडिडेट ने अप्लाई किए थे। दोस्तों इस बार जो वैकेंसी आया है, इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है दोस्तों, और यहाँ पे 12वीं पास प्लस ग्रेजुएट दोनों मिला के यहाँ पे वैकेंसी आया है, तो यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप भी किए हैं और वैकेंसी भी 2015 से ज़्यादा है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर काट ऑफ की, 2015 में जो नोटिफिकेशन आया था, जिसका एग्जाम 2016 में हुआ था, और दोस्तों यहाँ पे 2016 में जो NTPC का CBT1 हुआ था, उसमें जनरल के लिए 68.72, OBC के लिए 50.88, SC के लिए दोस्तों 52.27, और अगर हम बात करें ST कैंडिडेट के लिए 38.05 यहाँ पे काट ऑफ गया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे RRB जम्मू जोन से जनरल के लिए 68.72, OBC के लिए 50.88, SC के लिए 52.27, और ST के लिए दोस्तों 38.05 काट ऑफ गया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं काट ऑफ जो गया था दोस्तों, काफ़ी कम गया था एज कम्पेयर टू अदर जोन। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें इस बार जो कंपटीशन है एक सीट के लिए, दोस्तों यहाँ पे एक सीट के लिए कंपटीशन भी इस बार कम है, 226, यानी कि 226 कैंडिडेट यहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं RRB जम्मू जोन से। तो RRB जम्मू जोन से दोस्तों कंपटीशन भी कम है, और पिछले बार जो काट ऑफ गया था वो भी काफ़ी कम गया था, आप देख सकते हो, जनरल SC ST OBC का। दोस्तों इस बार अगर हम बात करें NTPC एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो NTPC का एग्ज़ाम मोस्ट प्रॉब्ली जो है जैन 2021 में होगा, और इसका जो एडमिट कार्ड है दोस्तों, एडमिट कार्ड आपको दिसंबर 2020 में देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें काट ऑफ की, तो काट ऑफ लगभग आपका सेम ही जाएगा, जो भी काट ऑफ यहाँ पे आप देख रहा है, जो प्रीवियस ईयर काट ऑफ था उसी के आसपास ही आपका काट ऑफ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास था जम्मू जोन के बारे में, मैंने आपको बता दिया हूँ। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसी RRB रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।